हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है निशु होप में। आज हम सीखेंगे बेबी फ्रॉक बनाना, जो मैंने 5 से 6 ईयर बेबी के लिए बनाई है। आप ये किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। ये इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है, डबल कपड़ा है ये मेरा। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 15 इंच रखूँगी और लेंथ इसकी मैं रखूँगी 12 इंच। अब इसको मैंने डबल तय कर लिया है, जो 4 लेयर्स में आ गया है। ये हम अपनी फ्रॉक की अपर पार्ट बॉडी बनाएंगे। अब यहाँ से मैं इसका शोल्डर रखती हूँ, 5 इंच रखेंगे और यहाँ से भी 5 इंच का निशान लगा लेते हैं और आर्म लेंथ रखेंगे 5 इंच पे ही लगाएंगी। अब यहाँ पे मैंने चेस्ट का निशान लगाया है। आपकी बेबी की जितनी चेस्ट है उसका 1/4 भाग आप यहाँ पे लगाएंगे और 1 इंच पे मार्जिन रखते हुए निशान लगाएंगे और कमर का भी आप निशान 1/4 भाग ही लगाएंगे और मार्जिन के साथ 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अब यहाँ से हल्की सी गुलाई दे देंगे हम इस तरह से और इसकी कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच के डाउन भी रखेंगे शोल्डर से इस तरह से। अब हम आगे का पल्ला उठाएंगे और उसकी हल्की सी 1/2 इंच की कटाई कर देंगे। बच्चों में ज़्यादा कटाई नहीं डाली जाती, सिर्फ 1/2 इंच की कटाई डालेंगे। अब हम नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ 2 इंच लगाया है और लंबाई मैंने 3.5 रखी है। जो बच्चे हेल्दी हैं उनका आप नेक की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2.5 इंच तक लगाएंगे, जो हेल्दी बच्चों का बना रहे हैं। अब इसकी हल्की सी गुलाई देंगे और फ्रंट का नेक कट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हम बैक वाला पल्ला उठाएंगे, बैक वाले पल्ले को भी अच्छे से तय करेंगे और यहाँ पे भी 2 इंच की मार्किंग कर ली है मैंने और 1/2 इंच की गुलाई के साथ काट देंगे। ध्यान रखना, अगर आपका बेबी हेल्थी है तो आप 2 की जगह 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे सेंटर पे और हल्का सा कट लगा देंगे इस तरह से। अब हमारी बॉडी फ्रॉक की कट हो गई है। अब इसके पीछे मैंने लाइनिंग के लिए भी पल्ले काट लिए हैं। आप भी सेम साइज़ की लाइनिंग काट लेंगे। मैंने काट के ये आगे का तैयार कर लिया है। अब मैंने नीचे जो हमने चुनटे डालनी है नीचे के पार्ट के लिए, वो कपड़ा लिया है। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है, मैंने यहाँ पे 14 इंच रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो चुनटे के लिए हिसाब से मैंने यहाँ पे रख ली है, 41 के आसपास रख ली है। ये मेरी बॉडी है 12 इंच और मुझे इसकी लंबाई चाहिए 25 इंच तैयार। तो 12 इंच में मैंने 14 इंच ऐड किया तो देखिए मेरी 26 हो गई। आप भी अपनी लंबाई के हिसाब से इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे कि आपकी कितनी आती है। इस तरह से मैंने कपड़ा ले लिया है जो 4 लेयर्स में रखा है बाजू के लिए। यहाँ पे मैं कैप स्लीव की बाजू काटूँगी जो मैंने 3 इंच की लंबाई पे रखी है और इस तरह से कटिंग कर ली है। आप कैप स्लीव की कटिंग अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं कि हम कैप स्लीव की किस तरह से कटिंग करते हैं। अब ये मैंने पूरी लेंथ रख ली थी क्योंकि मैं इसके ऊपर चुनटे डालूँगी बाजू के ऊपर, जो बेबी की फ्रॉक में बहुत अच्छे लगती है। अब इस तरह से एक पट्टी लेंगे हम बैक नेक के लिए और इस तरह से स्टिच कर देंगे इसको।
एक पैर की सिलाई के साथ स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हम अपना बैक नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे अगर आप जिप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऊपर लूप बना के बटन लगाऊंगी। इस तरह से कर लेंगे। अब इस पे हल्के हल्के से हम कट लगा देते हैं। कट इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी फोल्डिंग अच्छे से हो। बैक साइड फोल्ड करेंगे कपड़ा, जब पलटेंगे तो अच्छे से आपका कपड़ा सेट आएगा। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी टॉप स्टिच भी कर देंगे। अगर आप और भी बेबी की ड्रेसेस बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में बेबीज़ की फ्रॉक के डिज़ाइन और भी बता रखे हैं, जहाँ पे मैंने अपनी पुरानी कुर्तियों से किस तरह से स्टिच की जाती है फ्रॉक वो बताया है। और आने वाले समय में और भी बनाएंगे, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे प्रमोट कीजिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रमोट करता है। ये देखिए, अब मेरा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हम इसके जो मोड़े हैं ऊपर से शोल्डर, उनकी जॉइंट कर देंगे। दूसरी साइड का भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब एक अरे पट्टी काटेंगे। ये आप कम से कम 1.5 इंच की पट्टी काट लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम पूरे नेक पे लगा देंगे इस तरह से। ध्यान रखें, पट्टी लगाते समय आप फ्रॉक का जो नेक है उसे नहीं खींचेंगे, आप अरे पट्टी को हल्का हल्का खींचते हुए लगाएंगे, नहीं तो आपके चुंटे पड़ जाएंगी। और जहाँ से गुलाई आती है वहाँ से गुलाई की शेप देते हुए लगाएंगे इस तरह से। एंड में आके आप इसको कपड़ा फोल्ड कर देंगे। यहाँ से कपड़ा काटेंगे। अब हल्के हल्के से कट लगा लेंगे क्योंकि गुलाई फिर अच्छी आती है। इस तरह से हमारा गुलाई की जो शेप है वो फोल्ड नहीं होगी। पूरे नेक में हल्के हल्के कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और टॉप स्टिच कर देंगे। आप ये फ्रॉक किसी भी साइज़ की बना सकते हैं अपने बेबी का मेज़रमेंट लेके, और जो चेस्ट होती है, वेस्ट होती है, हिप होती है, उसका 4th पार्ट हमने लेना होता है, जो चौथा भाग होता है चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। अगर आप बेबी का नाप ले रहे हैं बॉडी से तो 1 इंच की लूजिंग के साथ रखेंगे और प्लस उसमें 1 इंच का मार्जिन रख लें, मतलब जितना आपका निकलता है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। और आप ये किसी भी साइज़ की फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। अब पूरा हम नेक इस तरह से टॉप स्टिच के साथ फिनिश करेंगे। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे बाजू अटैच करेंगे। मैंने आगे से इसको पीको कर लिया है, आप चाहे तो पीको कर ले या इसको आगे से कपड़ा फोल्ड कर ले। अब जो हमारा यहाँ पे सेंटर मैंने इस तरह से कट लगा लिया ताकि मेरी जो चुंटी है दोनों साइड इक्वल सी पड़ जाए। इसको हम एंड से स्टार्ट करेंगे। मैंने इस तरह एंड से स्टार्ट किया है और
बीच में सेंटर में मैं मेजरमेंट कर लूँगी कहाँ तक चुनटे आनी है, और वहाँ पे सेंटर में मैं चुनटे डाल दूँगी। जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो वहीं पे चुनटे डाल दूँगी। ये देखिए यहाँ से मेज़र कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पे चुनटे डाल देंगे। अब हम एंड तक इसको स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने हल्की सी चुनटे डालने हैं। इसी तरह हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेते हैं। अब हम साइड की स्टिचिंग कर देंगे जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था। और हमारा यहाँ पे देखिए आप यहाँ से कितनी लूजिंग रखना चाहते हैं वो देख लेना और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। मैंने आपको दो तरीके से कैप स्लीव कट करना सिखाया हुआ है, आप वो मेरी वीडियो देख के कैप स्लीव की कटिंग देख सकते हैं। अब हमारा बॉडी तैयार हो गई है। अब हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। पहले हम यहाँ पे रफल्स डालते हैं। गैदर डालने के लिए आप अपने जो स्टिचिंग मशीन है वहाँ पे फुल लेंथ रख देंगे उसकी और उसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से दूसरा पार्ट भी लिया मैंने। अब मैंने इसमें गैदर डाल दिए हैं। अपने मशीन का टांका जो होता है वो आप फुल लेंथ में करके इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे और एक साइड से थ्रेड पकड़ेंगे और चुनटे इस तरह से डालेंगे। अब मैं देख लूँगी मेरी चुनटे बराबर हो रही है। इनको इस तरह से हल्का हल्का धागा खींचते हुए चुनट सेट करेंगे कि देखिए अब ये बराबर हो गई हैं। देखिए अब दूसरी साइड की भी इसी तरह से करेंगे। अब मैंने सेट कर लिया। अब जो साइड में सिलाई है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। साइड से जो कपड़ा है ना ये देखिए इस तरह से इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। दोनों साइड से इस तरह से हम जॉइंट कर लेते हैं। अब आप नीचे चाहे तो पीको कर लें या फिर आप इसको सिलाई लगा सकते हैं। अब इसको इस तरह से स्टिच कर देते हैं। स्टिच कैसे करना है, सिलाई के साथ सिलाई लगानी है आपने। ये देखिए ये वाली जो सिलाई है इसको इस सिलाई के साथ अटैच कर जॉइन करनी है। आगे पीछे नहीं करना, इस तरह से सीधे पार्ट को सीधी के साथ ही रखेंगे। आगे उल्टा ना जुड़े इसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से देखिए ध्यान से चुनटों को सेट करते हुए आप सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से चुन्नट आपकी छोटी बड़ी हो रही है वहाँ पे आप उस थ्रेड को खींच के एडजस्ट कर लेंगे लगाते टाइम भी। ये देखिए अब मेरी चुन्नटे अटैच हो गई हैं। ये लुक इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे। अपनी वेस्ट को पहले देख लेंगे कितनी है और उसको डबल करेंगे। यहाँ पे 12 आई है, इसका 24 इंच की बेल्ट तैयार करेंगे। इस तरह से 4 इंच की पट्टी काट के सिलाई लगा लेंगे और उसे सीधा कर लेंगे और बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसी तरह बेल्ट तैयार की है। अब यहाँ पे अटैच करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। ध्यान रखें इसको आगे से हमने थोड़ा सा ओपन रखना है बीच में डोरी डालने के लिए। तो स्टार्टिंग में हम सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी वहाँ से इस तरह से लगानी है ये हम अभी बताते हैं। ये देखिए इस तरह से करेंगे।
अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। अब ऊपर की भी स्टिचिंग कर लेते हैं, इस तरह से करेंगे। देखिए बीच में ना थोड़ा सा छेद, जैसे आप नाना डालने के लिए रखते हैं वैसा ही यहाँ पे भी हमने रखना है। जैसे कोई नेफे का फोल्ड करते हैं, इस तरह से बेल्ट अटैच हो गई है। अब बीच में मैंने डोरी डाल दी है और इस तरह से कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक फोल्ड कर लें या फिर पीको कर लें। मैंने यहाँ पे पीको की हुई है और नीचे भी पीको कर लूँगी। अब मेरी फ्रॉक रेडी हो गई है। ये देखिए, ये इस तरह से दिखेगी। आप भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि किस तरह से आपको ये फ्रॉक लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्लीज़ मोटिवेट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।